नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मनमोहन रीजनिंग यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। देखिएगा दोस्तों, आज अपन जो चैप्टर पढ़ेंगे त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना पड़ेगा। इसमें देखो बेसिक तरीके से लेकर अपन हाई लेवल तक का जाएंगे। जैसे कि अगर इसको गिनना हो तो कैसे गिनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9। सिंगल लाइन से बनने वाले त्रिभुज कितने हैं, 9। अगर मैं डबल की बात करूं, यानी कि एक दूसरे से कोई मिल के बनेगा ही नहीं, तो अब यहाँ से देखेंगे, एक नंबर से मिलके बन रहा है, दो से मिलके बन रहा है, तीन से मिलके बन रहा है, आठ से, यानी ये ध्यान से देखो ये वाला, तो इससे कौन सा नंबर का बन जाएगा, 10 नंबर का बन जाएगा। कौन सा बन जाएगा, 10 नंबर का बन जाएगा। इसी प्रकार 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर से कौन सा बन जाएगा भाई, 11। यानी इस वाले की बात से 11 बन जाएगा, ये वाला 10 बन जाएगा। अब यहाँ देखिए ये वाला, देखो 6, 7, 8, 9 इनसे मिलकर कौन सा बन रहा है, 12। और ये पूरा का पूरा क्या होगा, 13 हो गया। ये भैया आपके गिनने का तरीका है। अगर आपको इनको ट्रिक से याद करना है या रट्टा मारना है तो उसके भी एक ट्रिक है, लाइन और त्रिभुज। अगर लाइन 3 हो त्रिभुज 13 होगा, 4 हो 27 होगा, 5 हो 48 होगा, 6 हो 78 होगा, 7 हो 118 होगा। यानी कि अगर आपको डायरेक्ट ही आंसर याद रखना है, किसी त्रिभुज में 3 लाइन है तो 13 आएगा, 4 है तो 27 आएगा, 5 है तो 48 आएगा, 6 है तो 78 आएगा। सर कौन सी लाइन, 1, 2 और 3, 3 है तो कितना आ जाएगा, 13। पर मैं आपको एक ऐसा शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ, इन सभी चीज़ों का झंझट खत्म हो जाएगा, आप डायरेक्टली भी आंसर निकाल सकते हो। जैसे समझिएगा, 1, 2 और 3 लाइन का होता, अगर लाइन 4 हो तो 1, 2, 3 और 4, अगर लाइन 5 हो तो 1, 2, 3, 4, 5, अगर लाइन 6 हो तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये गिनती लिख देना आपको, जिसकी भी लाइन को काटना, पर 3 का निकालना है, तो अपन ने गिनती लिखी 1, 2 और 3। अब इसमें त्रिभुज निकालना है कितना, 13। 1 के सामने 1 लिख देना, फिर तिरछा जोड़ देना, 1 में 2 जोड़ूंगा कितना आ जाएगा, 3, और 3 में 3 जोड़ूंगा कितना आ जाएगा, 6। मेरे हिसाब से किसी को दिक्कत नहीं होगी, फिर भी रिपीट कर रहा हूँ, 1 के सामने 1 लिख देंगे, 2 में 1 जोड़ दूंगा कितना आ जाएगा, 3, 3 और 3 कितना हो जाएगा, 6। अब सबको एक साथ जोड़ दीजिए, 3 और 1 कितना होगा, 4, 4 और 6 कितना होगा, 10। यहाँ तक किसी को समस्या नहीं है। ऐसा जब भी कोई क्वेश्चन आता है तो नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं, नीचे से कहाँ जाते हैं, ऊपर की तरफ जाते हैं, एक छोड़कर एक को लेते हैं। तो भैया मैंने 6 को छोड़ा, किसको लिया, 3 को, किसको छोड़ा, 1 को, तो 10 और 3 कितना, 13। क्या 3 बराबर 13 ही आंसर आ रहा था, जी बिल्कुल। आगे 4 का सिद्ध कर देते हैं, 1 के सामने 1 लिखेंगे, 2 में 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, सबको जोड़ दीजिए भैया कितना आ जाएगा, 20। नीचे से कहाँ जाएंगे, ऊपर, एक छोड़कर एक, किसको छोड़ दिया मैंने, 10 को, किसको ले लिया, 6 को, किसको छोड़ दिया, 3 को, किसको ले लिया, 1 को, 6, 7, 20 और 7 कितना होगा, 27 होगा। मेरे हिसाब से किसी को कोई समस्या नहीं होगी, फिर भी एक और देख लीजिए, मैंने हर सवाल को लिया, 3, 3 और 3, 6, 6 और 4, 10, 10 और 5, 15, सबको जोड़ूंगा तो 35 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 35। एक छोड़कर एक लेना है, 15 छोड़ा 10 को लिया, 6 को छोड़ा 3 को लिया, 1 को छोड़ा, तो 10 और 3, 13, 35 में 13 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा, 48 को, 5 बराबर 48 ही बताया था क्या। 6 का सिद्ध करना चाहो तो कर दीजिएगा, 1 के सामने 1, 2 और 1, 3, 3 और 3, 6, 6 और 4, 10, 10 और 5, 15, 15, 6, 21, सबको मैं जोड़ूंगा कितना आ जाएगा, 56 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 56। नीचे से कहाँ जाना है, ऊपर, 1 की छोड़ दिया, 15 ले लिया, 10 छोड़ दिया, 6 ले लिया, 3 छोड़ दिया, 1 ले लिया, 6, 7, 15 और 7 कितना होता है, 22, तो इसमें 56 में 22 जोड़ूंगा कितना आएगा, 78 आ जाएगा। क्या 6 लाइन के लिए मैंने 78 ही बताया था,
तो चाहे कितनी भी लाइन आ जाए तो आपको ध्यान रखना है, ऐसी लाइन लिख देना है, एक दो तीन ऐसे करके उसके सामने एक के सामने एक लिखना है, फिर तिरछा जोड़ते चले जाना है, तिरछे जोड़ते चले जाना है। कोई दिक्कत है किसी को? अब ऐसे ही कुछ क्वेश्चन त्रिभुज में अपडेटिंग क्वेश्चन आए हैं उनको आप देखते हैं, जहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा जैसे ये क्वेश्चन और आ जाए आपको, मैं टाइप नंबर दो में चलूं त्रिभुज की, ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो बच्चे देख के डर लगता है कि ऐसे आकृति को कैसे बनाएं, कुछ नहीं करना है, अंक डाल दो आंसर आ जाएगा। कितनी लाइन है? एक दो तीन चार और पाँच, तो पाँच अभी त्रिभुज हो जाएगा, पाँच ही क्या हो जाएगा त्रिभुज। यहाँ पे देखें एक दो तीन चार पाँच छः और ये सात, तो इसमें सात त्रिभुज हो जाएगा, कितना त्रिभुज हो जाएगा सात। यहाँ पे देखें एक दो तीन चार पाँच छः सात और ये आठ, ऐसे क्वेश्चन मैंने देखे थे रेलवे के अंदर कुछ एसएससी के अंदर, तो आप ऐसे क्वेश्चनों के देखकर कंफ्यूज नहीं होइएगा, जितनी लाइन है उतनी क्या होंगे त्रिभुज होंगे, जितनी लाइन उतनी क्या होंगे त्रिभुज। अब मैं थर्ड नंबर की टाइप पर चलता हूँ, हम थर्ड नंबर की टाइप देखिएगा त्रिभुज से संबंधित, उसमें क्या होता है ऐसा क्वेश्चन आजकल बहुत पैटर्न में चल रहा है ये वाला। एक क्वेश्चन मैंने ये लिया, आप एक क्वेश्चन आपको ये ले लिया मैंने, तीन क्वेश्चन बहुत है इसके अंदर, कम पड़ गया, देखिए वो दिक्कत नहीं। यहाँ देखिएगा ऐसा जब भी कोई लाइन हो आप देख लीजिएगा, ऐसा जब भी क्वेश्चन हो तो ध्यान से समझिएगा लाइन कितनी है, एक और दो, तो सीधा दो का क्यूब कितना होगा आठ, या लाइन कितनी है एक दो और तीन, तीन का क्यूब कितना होगा सत्ताईस, या लाइन के लो एक दो तीन और चार, चार का क्यूब कितना होगा चौसठ। बच्चे ये डायरेक्टली आंसर ये तब ला सकते हैं बेटा लाइन हो जब बराबर, लाइन क्या हो बराबर, तो ऐसी कंडीशन में आप ला सकते हो, लेकिन लाइन ही अलग अलग हो तो क्या करोगे, लाइन ही जब अलग अलग होगे तो क्या करोगे आप, लाइन ही अलग अलग होगे तो कुछ कर सकते हो इसमें नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे आप देखिएगा। ऐसे जब भी कोई क्वेश्चन आए तो इसका मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ, चाहे लाइन बराबर हो चाहे ऐसे हो, जैसे इसको सिद्ध करें मार्क कैसे लाएं, एक और ये दो, एक और ये दो, भैया एक और दो का योग कितना होगा तीन, और यहाँ से कितना होगा तीन, ऊपर से तीन और तीन कितना हो जाएगा छः, ऊपर से भी छः आ गया, तो बेटा यहाँ से जब एक दो तीन आया ये इधर छः जुड़ा है मैंने, तो यहाँ से भी एक और दो आएगा तो नहीं आएगा, ये वाला एक और दो, दो तीन और तीन छः, तो कितना आ गया छः इधर आ गया ना। अरे नहीं समझ में आया एक बार फिर समझ लो, पहले ऐसे जोड़ना, कैसे जोड़ना है, पहले मैंने जोड़ा एक और ये दो, यानी ये वाला ये वाला ये, फिर इसका इस ये वाला, तो तीन और तीन छः इधर जोड़ लिया, तो भैया आप इधर से भी तो नंबर आएगा, एक इधर से एक इधर से, यानी कि ये वाला ये वाला, तो तीन और तीन छः टोटल कितना हुआ बारह, लेकिन लाना कितना है आठ। ऐसा जब भी क्वेश्चन आ जाए जितने पॉइंट आए, कितने पॉइंट आए चार, तो बारह में से चार घटा दो क्योंकि दो डबल बार काउंट हो गए, ये पॉइंट कितनी बार काउंट हो गए डबल बार, तो 12 में से 4 जाएगा तो कितना आ जाएगा आठ। ये बेसिक तरीका ध्यान रखना, यहाँ पे अप्लाई करें तो एक दो और तीन, एक दो और तीन, एक दो और तीन, छः 6 12 और 6 18, तो ऐसे भी 18 ही आएगा,
18 नीचे से 18 ऊपर से टोटल कितना हुआ 36। पॉइंट कितने गिन लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। 36 में से 9 जाएगा तो कितना बचाएगा 27। चार लाइन समान हो चाहे समान हो ये ट्रिक कहीं पे भी फेल नहीं होगी। यहाँ पे देखें तो आपको पता है 1, 2, 3 और 4, 1 की वैल्यू कितनी आ रही है 10, तो 10, 10, 20, 10, 30 और 10, 40। तो 40 इधर से 40 इधर से 40 और 40 कितना होगा 80। 80 तो ये होगा पॉइंट मिड पॉइंट। देख लो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 हो गए, गलत गिन लिया भाई, 15 और ये 16। 80 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा 64। सर एक ऐसा क्वेश्चन देख के बताइए जिसमें लाइन अलग अलग हो, जैसे मैंने ये तो एक लाइन ली, इधर दो लाइन ली, ऐसा क्वेश्चन ले लो। अरे तो समान वाला था तो सीधा गल भी कर सकते हैं, ऐसा समान वाले के लिए करें, देखिए समझिएगा 1, 2 और 3, 1, 2 और 3 यहाँ से कितना आया 6 और 6, 12, 12 तो इधर से आ गया भाई, तो यहाँ से कितना आएगा 3 और 3, 6 और 3, 9, 12 और 9 कितना होता है 21। अब मिड पॉइंट कितने कितने आ रहे बेटा, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, 15 में से 6 जाएगा, 21 में से 6 जाएगा तो कितना आएगा 15। तो ऐसे क्वेश्चन आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, किसी को कोई दिक्कत हो कोई डाउट हो तो आराम से आप पूछ सकिएगा। समान हो तो सीधा घन कर देना, असमान हो तो आप इस तरीके का अप्लाई कर लेना। थैंक यू, धन्यवाद, आगे की मुलाकात करने के लिए।